गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल स्टाइल बाय दीपिका। होप यू आर डूइंग ग्रेट। सो गाइस आज है ना बहुत दिन बाद सच में ब्लॉगिंग हो रही है। इतने टाइम से ब्लॉगिंग नहीं मिल रही थी, आपको कलेक्शन वीडियोस ही मिल रही थी, बट मैंने बहुत जल्दी से सोचा कि चलो एक ब्लॉग डालते हैं बीच में। तो अभी क्या है कि आज ना मैं थोड़ी सी प्रिपरेशन कर रही हूँ, और क्योंकि कल मुझे जाना है एक फंक्शन में, फैमिली फंक्शन है जहाँ गेट टुगेदर वगैरह हम सारे लोग मिलेंगे। और इस ये जो फंक्शन हो रहा है ये किस लिए हो रहा है मैं आपको बता देती हूँ। ये जो फंक्शन हो रहा है मेरे जो मामा ससुर जी हैं उनका जो है 25वीं शादी की मतलब सालगिरह है, तो 25th एनिवर्सरी सेलिब्रेशन होगा वहां पर। तो उसके लिए अभी मैंने थोड़ी सी ना प्रिपरेशन करी है, मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अभी क्या क्या प्रिपरेशन। तो गाइज सबसे पहले ना मैंने जो साड़ी चूज की है मैं बता देती हूँ। मैंने ना मतलब दो साड़ियां निकाली है और मैं थोड़ी सी अभी कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या पहनू, बट क्योंकि एक्चुअली क्या है ना कि गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब 18 जून है, बहुत ज्यादा गर्मी हो गई है। तो अभी क्या है ना कि मेरे को ना ये चीज समझ नहीं आ रही कि मैं क्या पहनू मतलब थोड़ा सा। तो मैंने एक ही ना ब्लू कलर की साड़ी निकाली थी गाइज, ये बहुत खूबसूरत है और आजकल ऑर्गेंजा जो मतलब चल रहा है उसी की है। बट ये जो सिल्वर फॉइल है ना मेरे को ऐसा लग रहा है कि बहुत ज्यादा ओवर सा लग रहा है और ये थोड़ा सा ना चुभ भी रहा है। तो ये कलर मेरे हस्बैंड का मतलब फेवरेट है इसलिए मैंने चूज की थी ये साड़ी, बट अब मेरे को लग रहा है कि थोड़ा हैवी है। उसकी कंट्रास्ट में ना ये ब्लाउज है रेड कलर का, तो पहन के मतलब अच्छी लगेगी फंक्शन के हिसाब से, बट मेरे को थोड़ा सा सिंपल सोवर लुक चाहिए। तो मैंने एक दूसरी साड़ी का ऑप्शन निकाला है, मैं आपको दिखाती हूँ वो कौन सा। गाइस अभी मैंने जो ऑप्शन में निकाला है वो निकाली है मैंने ये रेड साड़ी, सिल्क की साड़ी है गाइस, और ये मेरे को ना बहुत ज्यादा सिंपल सोबर सी लग रही है, बिल्कुल मतलब प्लेन है और यहाँ पर जस्ट एक बॉर्डर है। ये साड़ी मतलब थोड़ी एक्सपेंसिव है बट ये ना बहुत ज्यादा प्यारा सा सिल्क है। और इसका पल्ला अगर मैं आपको दिखाऊंगी, अभी मेरे को ना इस पे आयरन कराना है, आयरन नहीं हो रही है तो इसलिए मैं आपको अभी ऐसी इसकी हालत आपको दिख रही है। पहनकर ये बहुत खूबसूरत लगती है, पूरी साड़ी मतलब प्लेन है, इस तरीके की साड़ी है, इस तरीके का ये ब्लाउज है, ठीक है, कंट्रास्ट का ये थोड़ा सा ऑरेंज कलर का जहां पर ये बॉर्डर आ रहा है। सोचा है कि मैं एक सिंपल सोबर सी साड़ी पहन लेती हूँ। तो फर्स्ट मैंने एक साड़ी सिलेक्ट की है, अब हम करते हैं ज्वेलरी को सिलेक्ट की मैं क्या पहनू। हेयर स्टाइल मैंने सोचा बिल्कुल सिंपल सोबर हेयर खोल लूंगी थोड़े से, या फिर बीच में पार्टीशन करके इस पे थोड़ा सा एक रेड कलर का एक अच्छा सा लुक ले लूंगी, मेकअप सिंपल सोबर रखूंगी। तो गाइज मैंने जो ज्वेलरी में निकाले मैंने ये कड़े निकाले, मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके के मेरे पास कड़े हैं जो कि बहुत खूबसूरत हैं, आप पास से देख सकते हो कि इन पर बहुत प्यारा मीनी का काम हो रहा है। गिफ्ट थोड़े एक्सपेंसिव आते हैं, मतलब काफी एक्सपेंसिव, थोड़े भी नहीं काफी एक्सपेंसिव होते हैं, बट हाँ पहनकर बहुत खूबसूरत लगते हैं। और इसमें अंदर इस तरीके के हैं, पेच वाले हैं, तो मैंने एक ये कड़े का ऑप्शन निकाला है और एक ये निकाला है, गोल्डन कलर के हैं। तो मैं ना सोच रही हूँ कि इस तरीके से एक एक कड़ा करके लगा लूंगी ऐसे करके, और थोड़ा मतलब लुक भी आ जाएगा। और मेरे को ना थोड़ा चूड़ी वगैरह पहनने का हैवी मन नहीं है, मतलब मैं जाती हूँ सिंपल एलिगेंट सा लुक लेना चाहती हूँ, तो मैंने सिर्फ ये कड़े निकाले हैं, ठीक है, पहन के पता चलेगा कि कैसा लगेगा। ठीक, मैं ये सोच रही हूँ कि ये पोटली कैरी कर लूंगी, थोड़ा सा रेड कलर की है, थोड़ी ठीक लगेगी इस तरीके से साड़ी पर, तो शायद अच्छी लगेगी, तो मैं ये वाली पोटली कैरी करूंगी लगाना। तो मैं आपको ज्वेलरी दिखा रही थी गाइज, ये मैं ज्वेलरी पहन रही, और मैं ना सिर्फ इसी की वजह से मैं वो रेड साड़ी मैंने चूज की है क्योंकि मेरे को इसी ज्वेलरी को पहनना है। मैं आपको दिखाती हूँ, फर्स्टली ये मेरा मतलब गिफ्ट है एक तरीके से, आप बोल सकते हो दिस इज माई गिफ्ट, जो कि मेरे को मेरे हबी जी ने दिया था, हबी जी ने, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, दिस इज द नेक पीस विच आई वॉन्ट टू कैरी विद माई साड़ी, दिस इज द पीस। आज मैं ना इसको कैरी कर रही हूँ और मेरा बहुत मन था इसको कैरी करने का, इसलिए मैंने ना रेड कलर की वो साड़ी, बीच में ना रेड कलर आ रहा है रेड और ग्रीन, तो मैं इसलिए साड़ी चूज कर रही हूँ। ये इसका पक्का है प्रॉपर गोल्ड का, एंड दिस इज द इयर रिंग्स जो की मुझे बहुत पसंद है, ये वाले इयर रिंग्स, क्योंकि मुझे इस तरीके की इयर रिंग्स ना पहनने गोल्ड के भी पसंद आते हैं और आर्टिफिशियल भी मुझे पसंद आते हैं। और जो मेकअप है मैं देखती हूँ, अगर ट्यूटोरियल शूट करा मैंने टाइम मिला तो ट्यूटोरियल मैं अलग से शूट कर लूंगी, अगर नहीं कर पाई तो फिर मैं बेसिक सा वैसे मेकअप रखने की सोच रही हूँ। ज्यादा तो मैं सोच रही हूँ कि गर्मी है, इतना स्वेट आएगा, क्या ही मेकअप करूंगी, तो विल सी कि मैं क्या करने वाली हूँ, तो देखती हूँ, ठीक है। तो अभी मैं ना फिर कल के लिए वेट करते हैं, कल मेरे देवर जी भी आ रहे हैं और सासू माँ ऑलरेडी आ चुकी हैं, तो फिर हम कल जैसे जैसे प्रिपरेशन रहेगी वो करते हैं, ठीक है। फाइनली अब हम जा रहे हैं, आप मुझे देख सकते हो, ये स्वेट है मेरा और ये भैया है आगे बैठे हैं यहाँ पर, जितिन जी, और ये क्या कहते हैं ड्राइवर भैया। तो यहाँ पर अभी हम पहुंच रहे हैं घर पे, और इतनी गर्मी आज, इतनी गर्मी आज का टेम्परेचर मुझे लगता है आज से ज्यादा होगा नहीं। जस्ट लुक एट मी कि मेरा क्या हाल हो चुका है, और ओवर लुक हम कैसे लग रहे हैं वो तो हम बाद में ब्लॉग में दिखाएंगे। और ये हमारे फनकार तो अभी हम मिलते हैं, थोड़ा सा स्वेट सुखा ले। बड़ा ब्लंडर हम करके बैठे हैं,
आपको बताया मैं आ गई हूँ, ये आ गए, की भी आ गए, सब आ गए हैं। लेकिन हमारा जो मेन था ना कि हमें गिफ्ट लेके आने थे, गिफ्ट पैक करा दिए, सब कुछ कर दिया, पैक रखे हुए हैं, बट हम लेके नहीं आए। ये जतिन जी की वजह से हुआ है, ये करते हैं ऐसे। मैंने सब कुछ रेडी रखा था, उठा के लाए नहीं, इतना भूल गए, बताओ अब हम क्या करें। हमें शर्म सी आ रही जाने में, बट जाएंगे जरूर। फाइनली वी आर इन होम। ये है दी, हम तैयार भी भाई। अभी देख कोई भी रेडी भी नहीं है, कोई रेडी नहीं हुआ अभी। इन्हें क्लोजअप में लो। नीचे होगा बट अभी थोड़ी बहुत डेकोरेशन चल रही है और ये दीदी आ चुकी है रेडी होके। जतिन जी कर रहे हैं केक की तैयारी। पना दो ताली का बजा भाई। आप पनाओ पहले, पनाओ और पनाओ पहले। मानसी जी थोड़ा पीछे जाओ। ठीक चलिए जानी नहीं है, हो गया ठीक है।
बिना